हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हमने शुरू की है एक नई सीरीज साइंस की, जिसके अंदर रोज़ाना हम 15 क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं, ये हमारा इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। उन दोनों पार्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो पहले उन दोनों को देखना फिर इसको फॉलो करना। एट प्रेजेंट हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाकी किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो आप पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसमें से जितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं सब के आंसर कमेंट कीजिए, और जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आए वो भी कमेंट कर दीजिए साथ के साथ। अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यूटेन का सूत्र क्या है, यानी इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो ब्यूटेन का रासायनिक फॉर्मूला होता है C4H10, यानी इसमें कार्बन के चार तत्व लेंगे हम, और इनके साथ हाइड्रोजन को अटैच किया जाता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनेगा, हर एक के ऊपर हाइड्रोजन आएगा। इससे पहले हम फॉर्मूला कर चुके हैं मीथेन का, एथेन का और प्रोपेन का। मीथेन का फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास CH4, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, ब्यूटेन का हमने अभी लिखा है, प्रोपेन का होता है C3H8। तो मैंने जैसे आपको इस सीरीज की स्टार्टिंग में बताया था कि रोज़ाना हम दो दो फॉर्मूले करेंगे, तो आज भी हमारे पास फॉर्मूले हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का क्रांतिक कोण, भाई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, और आपको याद होना चाहिए हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है। तो हीरे का क्रांतिक कोण है 24.2 डिग्री, ठीक है, 24.2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक का नियम, अष्टक का नियम क्या काम आता है, आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये नियम दिया किसने, तो ये नियम दिया था न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स ब्रिटिशियन साइंटिस्ट था ये, इसने ये दिया था 1856 में, ठीक है। इसके बाद मेंडलीफ आया, उसने 1869 में, सॉरी न्यूलैंड्स ने ये रूल दिया था 1866 में। न्यूलैंड्स के टाइम आवर्त सारणी में 56 एलिमेंट थे टोटल, उन 56 को उसने अरेंज किया था अष्टक के यानी ऑक्टेव के रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल दिया गया न्यूलैंड्स के द्वारा 1866 में, फिर 1869 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया दोबारा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो इसमें होती है अभी आर्गन गैस, और आर्गन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, और ये आती है नोबल गैसेज में, नोबल गैस, ठीक है। नेक्स्ट है ओम का नियम, इसका फॉर्मूला बताना है हमें, तो हमें पता है कि V इक्वल टू होता है भाई IR, और यहाँ से क्या आएगा अपने पास R बराबर, यानी जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा V अपॉन में I के। नेक्स्ट है 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, इस 1 किलोवाट में जूल होते हैं भाई 3.6 × 10⁶ जूल। अगला है गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, तो ये होती है मीथेन, इसका फॉर्मूला हम कर चुके हैं CH4, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास CH4, कल वाले क्वेश्चन में हमने किया था। नेक्स्ट आता है अपने पास जो टीबी का वैक्सीन है, तो उसका नाम है भाई BCG। अब हमारा सवाल ये है कि इस BCG में जी का मीनिंग क्या है, तो BCG की फुल फॉर्म होती है अपने पास बेसिलिन कालमेट, सी का मतलब होता है कालमेट, और जी का मतलब हो गया ग्यूरिन, जी का मतलब ग्यूरिन। तो टीबी का जो वैक्सीन है BCG, जो हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसमें जी का मीनिंग बनेगा ग्यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेंस, जो हमारे पास जो भी लेंस है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उनकी क्षमता किस में मापी जाती है, तो इसका आंसर भाई आप बताना लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, यदि इसका वेग v से बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए, यानी 2v कर दें, तो
गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं भी काइनेटिक एनर्जी, डिनोट करते हैं के-ई से। के-ई का के-ई बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। एम का मतलब अभी बताया द्रव्यमान, या फिर एम का मीनिंग होता है मास, ठीक है, और वी का मतलब होता है विलोसिटी, वी का मतलब विलोसिटी या वेग। तो जब हम वेग को दुगना करते हैं तो v का स्क्वेयर होगा, v की जगह क्या आ जाएगा 4v स्क्वेयर। ये तो हो गया पहले जब हमने v को कुछ नहीं किया। अब v को करते हैं डबल, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ इस प्रकार बनेगी अपने पास, एक बटे दो m में कोई चेंज नहीं किया, v की जगह इस बार कितना रखना है अभी 2v, तो 2v पूरे का स्क्वेयर। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, एक बटे दो एम, वी का वी स्क्वेयर और दो का स्क्वेयर कितना हो गया 4। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वेयर, अब कितनी होगी, जो पहले थी उसकी 4 गुना होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आता है कि जब किसी वस्तु की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है, 4 times, ठीक है। नेक्स्ट है, जो पौधे मरुस्थल यानी रेगिस्तान में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है जीरोफाइट। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु यानी कि हमें चाहिए मेटल, तो ये कौन सी है, ओस्मियम। अगला है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो ये बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर आप ही दीजिए क्या होगा। और नेक्स्ट है, बल की इकाई क्या है, बल की इकाई यानी फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी फोर्स को किस में मापा जाता है, फोर्स को मापा जाता है भी इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। और आपका क्वेश्चन ये है कि इसका CGS मात्रक क्या होगा, बल का SI मात्रक हो गया न्यूटन, हमें बताना है इसका CGS मात्रक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन सब के आंसर कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आपकी इन क्वेश्चन से रिलेटेड या पीछे हमने जो किए उनसे रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।